नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपने घर का प्लास्टर करने के लिए सोच रहा है तो जरा इस वीडियो को दोस्तों दो चार मिनट देख के जाना दोस्त, ताकि आपको बहुत ज़्यादा फायदा इस वीडियो पर मिलने वाला है। यकीन मानिए, अगर आप लोग प्लास्टर करने जा रहा है और मेरा इस बताया हुआ दोस्तों 7 स्टेप्स को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो भैया आपका जो दीवारों का प्लास्टर है ना, छेने ही हथौड़ी से उसको पीटो फिर भी खरोंच तक नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों अगर हमारा घर का प्लास्टर सही स्टेप से हम लोग फॉलो करके अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है प्लास्टर का साइड इफेक्ट देखना शुरू हो जाएगा हमारा घर का पेंट में। इसलिए दोस्तों प्लास्टर में ही हमें 7 चीज़ जो हमें ध्यान रखना है फिर प्लास्टर करना है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग अपनी दीवारों को दोस्तों प्लास्टर करने के लिए सोच रहा है तो पहला स्टेप्स आप फॉलो करना कि भैया जब भी प्लास्टर करें आपका जो रेती है जो बाली है वो हमेशा नया होना चाहिए। दोस्तों आप लोग अगर नहीं जानता है तो आपकी जानकारी के लिए मैं दोस्त आपको बता दूं कि अगर आपका जो रेती है मान लीजिए किसी भी हार्डवेयर की दुकान से आप लोग लेके आया है, लेकिन उस दुकान में ही 1 साल से सड़ रहा है आपका जो बाली है, भाई साहब 6 महीना या 1 साल बीत जाने के बाद आपका जो बाली है ना उसका जो कांच है वो बिल्कुल भी कमज़ोर हो जाता है दोस्त, मर जाना शुरू हो जाता है। जब बाली पानी की पहुंच में रहता है तब ज़्यादा दोस्तों ताज़ा रहता है, फिर पानी से उठाकर जब दोस्तों वो मतलब सूखा में रहता है तो धीरे धीरे वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। इसलिए दोस्त इस चीज़ को याद रखना कि जैसे आप ताज़ा जो बालू होता है उसको हाथ से ऐसे पकड़ेंगे तो भैया आपके हाथों पर चुभेगा, और अगर बाली आपका 1 साल 2 साल पुराना हो चुका है तो हाथों में बिल्कुल भी नहीं चुभेगा। तो इससे दोस्तों आप लोग अंदाज़ा लगा सकता है नया बाली का जो पावर होता है वो अलग से ही होता है दोस्तों रेता का। इसलिए जब भी प्लास्टर करें दोस्त सबसे पहले नया जो आपका रेती है उससे प्लास्टर करें, ये एक नंबर। दूसरा नंबर दोस्तों, आप कहीं जगह से भी दोस्तों बाली को रेत जो होता है रेती को उठा के लेके आइए, बाली या रेती दोस्तों जहाँ से दुकान से लेके आइए जहाँ से लेके आइए, लेकिन इस चीज़ को ध्यान देना कि बाली भैया आपको छानना ज़रूरी होता है, उसको चालना ज़रूरी होता है दोस्त। क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करना कि जब भी दोस्तों हम लोग बाली को छानता है तो उसमें कंकर या फिर मिट्टी या फिर पत्थर की मतलब कुछ भी बहुत ज़्यादा गंदगी रहता है हमारी बाली में दोस्तों, हमारी रेता में। तो इस चीज़ दोस्तों जो आपका घर में लेबर काम करता है ना वो भी भैया आपके आँखों में धूल झोंक कर कभी कभी बिना छाने दोस्तों दीवारों पर लगा देता है। यहाँ तक कि आज से 12-13 साल पहले जब दोस्तों मैं प्लास्टर का काम करता था उस टाइम भी मैंने देखा था कि भैया लेबर लोग जाने या अनजाने दोस्तों मतलब काम हो जाना चाहिए, आगे क्या होगा वो घर का मालिक बूझेगा, इस तरह से लेबर का मानसिकता होता है दोस्तों। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा कि जब भी प्लास्टर करें तो सबसे पहले बाली को अच्छे से हमें छान लेना है, फ्रेश कर लेना है, फिर हमें अप्लाई करना है। ये दो तरीका। तीसरा तरीका दोस्तों, जब भी प्लास्टर करें प्लास्टर करने से पहले भैया दीवार को अच्छे से पानी पिलाइए, तराई कीजिए, क्यूरिंग कीजिए अच्छे से, 1 दिन पहले ही आपको क्यूरिंग करना होगा। देखना कि जब भी आपका जो ईटा होगा ना या फिर ब्रिक्स है तो जो उसमें क्यूरिंग जब हो जाएगा तो ईटा से धीरे धीरे पानी दोस्तों निकलना शुरू हो जाएगा, तब आपका समझ में आ जाएगा कि हमारे जो दीवार है भैया प्लास्टर करने के लिए बिल्कुल भी सही है। और अगर आप लोग सही क्यूरिंग से सही तराई से प्लास्टर करेंगे तो आपका प्लास्टर फिनिशिंग भी आएगा जल्दी, मतलब फिनिशिंग भी आएगा और जल्दी सूखेगा नहीं, इसके कारण बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगा और दीवार से बाली भी दोस्तों नहीं झड़ता है। और अगर ज़्यादा सूख जाएगा और उससे आप लोग काम चला देंगे तो भैया आप ऐसे करेंगे तो आपका जो बाली है वो थोड़ा उखड़ उखड़ के दोस्तों आएगा। ये था दोस्तों हमारा जो प्लास्टर होता है। अब भैया एक चीज़ का याद रखना कि जब भी प्लास्टर करें प्लास्टर में दोस्तों आपको मतलब एक केमिकल उसमें मिक्स करना है ताकि आपका जो प्लास्टर है वो स्ट्रॉन्ग दिखे। तो कौन सा केमिकल हम लोग मिक्स करेंगे दोस्तों? हम लोग करेंगे डॉक्टर फिक्सिट का LW+। भैया सिंपल तरीका, एक बैग सीमेंट में
200 ml आप लोग डॉक्टर फिक्सिट का LW प्लस का मिक्सिंग करें, आपका जो प्लास्टर है काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा दोस्तों। और प्लास्टर में जो कामियाजा होगा वो दोस्तों मतलब स्ट्रॉन्ग करने में सहायता करेगा हमारा डॉक्टर फिक्सिट का LW प्लस। अच्छा बॉन्डिंग मिलेगा हमारी दीवारों का और प्लास्टर के बीच में। तो इसको भी आपको ध्यान देना है कि जब भी हमें करना है प्लास्टर भैया डॉक्टर फिक्सिट का LW प्लस से करना है। और फिर अगला जो स्टेप्स आपको दोस्तों फॉलो करना है वो होता है रेशियो। मतलब अगर आप लोग गलत रेशियो से सीमेंट और बाली का जो रेशियो होता है उसको अगर सही ढंग से ठीक ठाक से नहीं करेंगे तो फिर भी गड़बड़ हो जाएगा, या तो आपका प्लास्टर क्रैक्स हो जाएगा। ज़्यादा अगर आप लोग सीमेंट डाल देंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम। और भैया कम अगर आप लोग सीमेंट डालेंगे तो फिर तराई करने से आपका बाली गिरेगा। इसलिए सही जो रेशियो होता है अंदर की दीवारों में जब भी दोस्तों आप लोग ये करें प्लास्टर करें तो भैया 1:5 का रेशियो आप लोग दोस्तों कर सकता है। यानी कि 1 चट्टी आपको देना है सीमेंट और 5 चट्टी आप लोग रेता दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन आप स्लिंग में करेंगे छत में स्लिंग में तो उसमें आप 1:4 का रेशियो कर सकता है। लेकिन बाहर यानी कि आउटर दीवार पर एक्सटीरियर पर हमेशा 1:4 का ही रेशियो बनाकर दोस्तों प्लास्टर करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा और आपका प्लास्टर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा। अगला जो स्टेप दोस्तों आपको फॉलो करना है कि भैया प्लास्टर का थिकनेस हम लोग कितना रखें। ये भी एक समस्या है दोस्तों, क्योंकि हमने देखा है कि भैया मिस्त्री लोग जल्दबाजी के कारण प्लास्टर में धमाधम मसाला तो छाप देता है लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि भैया उसका रेशियो क्या होना चाहिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों, प्लास्टर जब भी करें 10 mm तक ही प्लास्टर का थिकनेस रखें। जितनी कम रखेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग ज़्यादा आपको मिलेगा, और ज़्यादा मोटाई करेंगे तो उसमें क्रैक्स आना, हेयर लाइन क्रैक्स आना, ये सब प्रॉब्लम होता है दोस्तों। और अगर मान लीजिए आपका दीवार बहुत ही ज़्यादा मतलब मसाला लग रहा है, नहीं तो फिनिशिंग भैया नहीं आ रहा है, पट्टा में नहीं आ रहा है, तो उस केस में अगर 10 mm से ज़्यादा मसाला लग रहा है, 1 इंची या 1.5 इंची हो जा रहा है, तो एक दिन पहले दोस्तों उस दीवार को रैप कर लो। रैप करने से फ़ायदा क्या होगा दोस्तों, एक डबल का लेयर होगा, लेकिन एक साथ इतना मसाला आप लोग बिल्कुल भी ना चढ़ाए। अगर ज़्यादा मसाला लग रहा है तो रैप कीजिए, और अगर प्लेन दीवार है तो 10 mm तक ही दोस्तों उसका थिकनेस रखे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रखे। अगला जो प्रोसेस है, लास्ट में जो प्रोसेस है दोस्तों, इसको आपको भैया फॉलो करना ही है। अगर इसको गलती कर देंगे तो प्लास्टर चाहे आप लोग जितना भी कुछ डाल लो, इसको आप लोग सुधार नहीं सकेंगे, आपका प्लास्टर में कामियाजा निकलेगा। क्या होगा दोस्तों, लास्ट में जब हमारा प्लास्टर ख़त्म हो जाएगा तब आपको करना है क्यूरिंग। तो आखिर क्यूरिंग हम लोग कितने दिन करें दोस्त? आज आपका प्लास्टर ख़त्म हो चुका है, शुरुआत में सुबह दोपहर शाम 3 टाइम क्यूरिंग करो। 3 से 4 दिन दोस्तों आपको सुबह दोपहर और शाम को क्यूरिंग करना होगा। फिर 3 दिन 4 दिन बीत जाने के बाद सुबह शाम अगले दोस्तों 7 से लेकर 10 दिन तक आपको क्यूरिंग करना होगा। दोस्तों ये जो मैंने 7 स्टेप्स बताया आपको, अगर इनमें से एक भी आप लोग फॉलो नहीं करेंगे तो उसमें कुछ कामियाजा निकलेगा। और ये 7 चीज़ फॉलो करके अगर आप लोग अपनी दीवार पर प्लास्टर करेंगे दोस्तों, तो लिख के रख लो, उसमें ज़रा सा भी दोस्तों फॉल्ट बिल्कुल भी नहीं आएगा। आई होप दोस्तों इस वीडियो पर आपको कंप्लीट जानकारी मिल चुका होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई संदेह है तो हमें करें कमेंट, आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे।